पुणे के रामबाग चौक के समीप ओम प्रकाश वर्मा नामक व्यक्ति के बन रहे मॉल में काम करने के दरमियान 3 मजदूर की मौत हो गई। मौत का सही कारणों का पता नहीं चल सका है, किंतु अंदेशा लगाया गया कि दम घुटने से या फिर बिजली लगने से मजदूरों की मौत हुई। बताया गया कि मॉल में बनाए गए सेफ्टी टैंक का सेंटरिंग खोलने से पहले एक मजदूर नीचे उतरा और उसका कुछ जवाब नहीं आने पर दूसरा और फिर तीसरा मजदूर नीचे उतरता गया और तीनों की मौत हो गई। बाद में शेष मजदूरों ने दूर से ही आवाज लगाई तो जवाब में आवाज नहीं आई, जिसके बाद दूर से ही देखा गया तो तीनों मजदूरों का शव पड़ा हुआ था, जिसमें 2 सगे भाई थे और उसमें एक उसका भांजा था। सभी मजदूर कस्बा के रहने वाले थे, जिसका नाम मोहम्मद आलमगीर, मोहम्मद जहांगीर एवं मोहम्मद तारिक उल बताया गया। घटना के बाद सभी का शव पूर्णिया के सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने भी सभी को मृत घोषित कर दिया। इस दरमियान सदर अस्पताल में काफी अफरा तफरी मची रही और बड़ी संख्या में लोग घटना को समझने सदर अस्पताल परिसर एवं घटना स्थल पर पहुंचे और कई सामाजिक संगठन के लोगों ने मजदूरों के समर्थन में आवाजें भी बुलंद की। बहरहाल प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वो लोग सेटरिंग खुल रहा था तो हम लोग फिनिशिंग कर रहे थे, तो फिर आया मेरा एक आदमी ठेकेदार जो था हमारा हेड मिस्त्री, वो बोला जो तुम्हारा एक आदमी कहाँ है, तो बोला जो टंकी में घुसा है। तो वो जैसे टंकी देखने के लिए गया तो वो गिर गया, वो खुद गिर गया, हाँ मर गया वो टंकी का अंदर। उसके बाद फिर तो इसको बोला जो कट रहा था ढलाई, उसको बोला तुम्हारा आदमी जो एक तो मर गया जो टंकी के अंदर, तो ये फिर दौड़ के वो टंकी में जाके घुस गया, वो भी गिर गया। जैसे वो घुसा उसको भी खींच लिया नीचे, वो भी खत्म हो गया। पहले से अंदर भी गिरा हुआ था? हाँ, 2 आदमी बाद में गया। हाँ, सेटरिंग लगा हुआ था उसका अंदर में। क्या लगता है करेंट से हुआ या ऑक्सीजन से हुआ? आप पता नहीं लगा ना कौन चीज से हुआ है। अंदर में क्या चीज का काम कर रहे? अंदर में सेटरिंग लगा हुआ था तख्ता का, वो तख्ता का सेटरिंग खोलने के लिए गया था। ऊपर से नीचे गए थे? तो कोई बिजली का तार वार था नीचे में? बिजली का तार तो नहीं, अंधेरा में ही काम हो रहा था। अंधेरा में वो मिट्टी का नीचे में जो टंकी नहीं बन रहा है, हाँ। वही टंकी दियावाड़ी का, मोहनी दियावाड़ी का। क्या क्या नाम है तीनों का? तीनों का एक ठो का नाम है आलमगीर, जहांगीर और तारिकुल। तीनों कौन है, परिवार के? एक ही परिवार के? वो 2 गो है एक ही परिवार का, 2 गो भाई है और एक गो उसका फुफेरो भाई है, यानी कि 2 गो मेरा साला है। 3 लोगों की जो मौत हुई है हमारे वार्ड नंबर 31 रामबाग में, ओम प्रकाश वर्मा जी का मकान में ही लोग काम करते थे मजदूर के रूप में, और टंकी के नीचे ही लोग गए हुए सेंटरिंग खोलने गए हुए थे मकान का। हाँ, नहीं टंकी का सेंटरिंग खोलने का। तो उसी में अब एक गिरा, पहले एक गिरा, इसके बाद दूसरा गिरा, इसका तीसरा को निकालने के लिए रस्सी हाथ में बांध दिया था, कमर में बांधा था, तीसरा की मौत नहीं होती, और हाथ में बांधा था और वो जैसे पकड़ा वो भी वहीं पर ढेर हो। क्या लग रहा है कारण? हमको तो लग रहा है कि करंट सही हुई होगी, क्योंकि जो रस्सी से जिसको पकड़ के निकाल रहा था वो उसको तुरंत फड़फड़ा जाना, ये तो करंट का ही एहसास होता है। वहाँ पे करंट कहाँ से आएगा अंदर में? करंट लगता है, काम करने कर रहा था ना, लगता है लाइट की, लाइट अंधेरा है नीचे में, तो लगता है लाइट के लिए लेके आऊंगा।